नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अभी से कमर कस ली है। यही वजह है कि लखनऊ में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर है। इस दौरान वो पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। प्रियंका इससे पहले दिसंबर 2019 में लखनऊ आई थी। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने के गुण दे के गई थी। तो विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। यही कारण है कि वो पार्टी से कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों, युवाओं और बेरोजगारों से भी मुलाकात करेंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी हैं और 3 दिन के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी, आपको बता दें, 3 दिन वो लखनऊ में ही रहेंगी और इसी दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मिलेंगी। किसानों का मुद्दा, युवाओं का, बेरोजगारी को लेकर मुखर अंदाज में वो योगी सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगी। तो एक चुनावी बिगुल आज प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए फूंक दिया जाएगा और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया जाएगा, क्योंकि हर बार प्रियंका गांधी आती हैं तो जोश के साथ आती हैं और उतना ही जोश कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलता है। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये सब इस चर्चा में शामिल होगा और इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष सिंह जी, कांग्रेस नेता आशीष कुटाडिया जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता जो लगातार प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर नजर बनाए हुए हैं, शमशाद भी जुड़ चुके हैं। शमशाद, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस वक्त? आपको बता दें कि इस समय हम चौराहे पे मौजूद है, जहाँ पे प्रियंका गांधी का काफिला देख सकती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों को अभी अभी लगभग उनके कार्यकर्ता भी मौजूद है और लगभग अभी भी निकलती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इधर काफी तादाद में महिलाएं भी आप नारेबाजी भी लगा रही है और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे जो है यहाँ मौजूद और झंडे झंडे लिए हुई है और जिस तरीके से जो है ये यहाँ पे 3 दिन दौरे के लिए आई हुई है और कहीं ना कहीं जो है कार्यालय पे जाके 2022 के चुनाव को लेके कहीं वो चर्चा भी हुई है। जी शमशाद, बिल्कुल देख पा रहे हैं, आवाजों से ही पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन को लेकर किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है और भारी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, जोश है, एक अलग सा जोश प्रियंका गांधी के आगमन पर फूंक दिया जाता है। शमशाद, ठीक है, मैं आप पर आऊंगी शमशाद, उससे पहले आशीष कुटाडिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहूंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी है, 3 दिन का दौरा होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की तरफ से, क्या जोश? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्री प्रियंका गांधी जी का लखनऊ दौरा राजनीतिक तौर पर भी और उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर भी काफी चर्चा में है और विशेष तौर पर प्रियंका जी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं है, जो उनकी विडंबनाएं हैं, उनको मोदी और योगी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून के शासन के स्थान पर जो माफियाओं का शासन था, उस शासन को पूर्ण तरीके से बेदखल करना और उत्तर प्रदेश की जनता की, उनके पिछड़े वर्ग की आवाज को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों को न्याय दिलाना और विशेष तौर पर जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता में जो प्रियंका गांधी जी के प्रति उमंग है, एक नए तरह का उत्साह है, ये बताता है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी का आगमन विशेष तौर पर किया जा रहा है। बिल्कुल आशीष जी, हमारा उद्देश्य
आपने मुद्दे बताए हैं और आपने कहा है कि प्रदेशवासियों में भी एक अलग सा जोश है, कार्यकर्ताओं में तो है ये हम मानते हैं, लेकिन प्रदेशवासियों में कितना प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर जोश है ये हम मनीष जी से जानेंगे, और क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति की हर चीजों पर उनकी गहन जांच रहती है, पैनी नजर बनाए रखते हैं। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूती से खड़ी हो पाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार हम 30 सालों से देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मजबूती नहीं दिखा पाई है, जमीन मजबूत नहीं कर पाई है। तो क्या प्रियंका गांधी के जरिए लगातार पिछले चुनावों में भी हम यही सवाल उठता रहा है कि क्या प्रियंका गांधी का चेहरा कोई चमत्कार करेगा, और इस बार भी वही सवाल, क्या प्रियंका गांधी का चेहरा चमत्कार करेगा? देखिए कीर्ति, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 18 महीने बाद प्रियंका गांधी का आगमन जो है लखनऊ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में वो आती नहीं है। सोनभद्र का मामला ले लीजिए, जब दलित हत्याकांड हुआ था जिसको जो बहुत मीडिया में आया था और जिसको लेके योगी सरकार घेरे में भी थी, हाथरस वाला भी कांड देखिए जब वो प्रियंका गांधी फ्लोर पर उतर के आई थी और एक दिल्ली से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उनकी, बहुत सारी फोटोज पुलिस को ढकेलते हुए लाठीचार्ज को पीछे करते हुए आई थी। लेकिन टाइम टाइम पे वो यहाँ आती है और यहाँ से चली जाती है, इस चीज़ को लेकर बहुत बार मीडिया में बात होती है और एक टेम्परेरी और पार्ट टाइम जो पॉलिटिशियन की छवि विपक्ष उनके ऊपर बनाना चाहता है, वो बनाने की वो भरपूर कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव हैं और अगर आप प्रदेश में एक नेतृत्व आपको दिया गया है तो आपको परमानेंट उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर रहकर, क्योंकि बहुत कम समय है, लोगों ने ये भी कहा और मीडिया में ये बात भी बहुत चर्चा में थी कि आना प्रियंका गांधी को था लेकिन आ गई आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने एक हल्ला बोल मचा के रखा हुआ है योगी सरकार के खिलाफ, संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगातार कार्यकर्ता, और जिस तरीके से वो बूथ पर बूथ जाकर अपना एक, मनीष जो आपने बात करी वो एक कहीं ना कहीं वो जाते क्योंकि कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं आ पाता है, वो फील नहीं आ पाता है कि वो मुखर अंदाज में योगी सरकार के, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नेतृत्व और उनका जरूरी हो जाता है कि वो भी जमीनी स्तर पर उतरे और इस तरह से कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, चीजों को समझे। देखिए बात वही है, मैंने आपसे कहा 18 महीने पहले वो लखनऊ आई थी, सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था और एक आपको याद होगा कि एक महिला जो इंस्पेक्टर थी उनसे उनके साथ उनकी जो धक्का मुक्की हुई थी वो भी मीडिया में आई थी। और जब भी आती हैं वो, चाहे उनका पहली बार का रोड शो हो लोकसभा चुनाव से पहले का, वो सब जबरदस्त तरीके से जो है मीडिया के टेंशन लेके जाता है, जनता के बीच में चर्चा रहती है, लेकिन ये चर्चा आगे तक चल नहीं पाती है। क्योंकि मेरा मानना या जनता का ही मानना है, जो कार्यकर्ता है उनके बीच से भी सुगबुगाहट आती है कि भाई अगर आप परमानेंट तरीके से उत्तर प्रदेश की जमीन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको लखनऊ में रहकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति का कहीं ना कहीं रास्ता लखनऊ से जाता है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट करके काम कराना पड़ेगा। ये कहा भी गया था कि पिछली बार की कॉल जी का, जो शीला कॉल जी का मकान है वहां पे वो एक अपना रेजिडेंस बनाएंगी, वहां पे रुकेंगी, कार्यकर्ताओं को वहां से वो बिगुल फूकेंगी, लेकिन वो चीज होती नहीं दिखती है। बीच में कोविड भी आया, बहुत सारी चीजें, चेहरा बड़ा है, चेहरा पावरफुल है, इंदिरा गांधी की छवि, अटायर, गेटअप, रुद्राक्ष की माला, सारी चीजें उनके पास है, लेकिन वो जो है ना कि एक परमानेंट तरीके से अगर वो यहां से बिगुल फूके तो मुझे लगता है शायद उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा कार्यकर्ताओं के ऊपर, और चुनाव में भी ये एक बड़ा उलटफेर करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन टिकना पड़ेगा उसके बिल्कुल लिए। आशीष कोटारिया जी, आपने मनीष जी की बात पूरी सुनी होगी कि प्रेजेंस जो है आपकी वो लगातार सुनिश्चित करनी जरूरी हो जाती है, आप ये गैप दे देकर कि आप आए, आपने एक अपनी इमेज बनाई, आपने एक छवि दिखाई, जोश भरा, उसके बाद आप कुछ सालों के लिए गायब हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर आते हैं चुनाव जैसे नजदीक आते हैं और आप फिर कहते हैं कि इनको चुनावों से जोड़कर मत देखिए, तो कैसे ना देखें? देखिए ये वह एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और उनका निजी क्या कहते हैं सुझाव हो सकता है, किंतु मेरा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यही है कि प्रियंका गांधी जी पूर्णतः रूप से सक्रिय है। यदि सक्रियता की बात आती है तो नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध आंदोलन हो, किसान बिल के विरुद्ध में आंदोलन हो, आशीष जी यही तो बात हो रही है कि आवाज तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे होते हैं उस पर मुखर अंदाज में उठाई, वो नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन ये मौजूदगी लगातार क्यों नहीं, बीच में गैप, कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और अगर आपको जमीनी स्तर पर अपनी राजनीति मजबूत करनी है तो आपको कंटिन्यूटी, यानी कि आपको लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हो गया या प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी दिखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है ये अहम हो जाता है। आशीष जी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मजबूती के ऊपर प्रश्न खड़ा करने से पूर्व मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि
कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, उनकी धरातल पर 2400 घंटे मौजूदगी रहती है और प्रियंका जी पूर्णतः रूप से प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता के संपर्क में रहती है और इसका परिणाम आपको वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर दिखेगा। अभी विपक्षी दल विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो वर्तमान में शासित है, वे भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रश्न खड़े करें, किंतु परिणाम देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में होगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार पूर्णतः रूप से असफल साबित हुई है, उत्तर प्रदेश में एक भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, रोजगार का हो, महंगाई का हो या फिर अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने का हो। लेकिन बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे, कांग्रेस नहीं। आशीष जी, ये भी तो सच्चाई है कि कांग्रेस कहाँ है? अगर आप इतना ही दम भर रहे हैं कि हम आएंगे और इतनी सीटें लेके आएंगे या हमारे सत्ता में हम विराजमान होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो शायद मुझे विपक्ष में वो बड़ा चेहरा नहीं दिखता। देखिए, ये आपका निजी मंतव्य हो चुका है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का समर्थन और लोगों की जो भीड़ जुट रही और एकत्रित हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पर सूचित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बड़े विस्तृत स्तर पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और 22 के चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ये आशीष जी परिणाम ही बता रहे हैं कि आप कितना ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। क्यों मनीष जी, अगर आप जिस चीज को आशीष जी लगातार कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ एक बार फिर आएंगे, हालांकि जो परिणाम हर बार हमने देखे हैं, चाहे वो 2017 में चुनाव हुए उसमें परिणाम हमने देख लियो, तो वो परिणाम कुछ और ही बयां करते हैं और लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर जिस तरह की मंशा है, जिस तरह के उनका भाव है, वो भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती हैं और ये इतिहास गवाह रहा है कि चाहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे अमेठी रायबरेली की बड़ी सीटें हो, सबने जब यहाँ पर संघर्ष करा तो यहीं से रास्ता जो है दिल्ली का बना। और बहुत अच्छी बात है, प्रियंका गांधी का जो बिगुल बजा था 2014 में वो बहुत ज़बरदस्त था, जिस तरीके से उनका रोड शो हुआ उसके बाद, लेकिन पुलवामा वाला जो आतंकवादी हमला है वो हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियां करी। और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है कि कल प्रधानमंत्री ने काशी में आकर एक कहना नहीं चाहिए परोक्ष रूप से एक चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अगर आप उसको राजनीतिक रैली नहीं मानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भाई ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जिस तरीके से उन्होंने मोदी इस बल से विपक्ष पर भी निशाना साधा, बिल्कुल जिस तरीके से जी तो था ही बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने योगी नेतृत्व का ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी नेतृत्व पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और तारीफों के पुल तो बांधे ही, बिल्कुल तारीफों के पुल बांधे। और उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पे लेने की कोशिश करी, लेकिन बात वही है टाइमिंग, कितनी जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला जो ये प्रोसीजर है और इसमें आप जल्दी से आकर जो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी को स्नैच कर लेते हो, ये उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, प्रियंका गांधी ने पिछले 1.5 साल में काम करा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। कोविड के टाइम में जिस टाइम वो बसों वाला एक प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा कि जिस तरीके से बसों से जो है बुलाने की बात करी गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पर खींचने की बात थी, या हाथरस वाली बात हो, चाहे सोनभद्र वाली बात हो, एक्टिव वो लगातार रही है और उनके आने का इम्पैक्ट पड़ता है। वो बहुत ज्यादा स्विंग मूवमेंट रखती है, एक बड़ा गद्दावर चेहरा है भारतीय, बिल्कुल भारतीय राजनीति का, इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट है, जैसे पिछला 1 साल में, अगर जो पार्टी को अंदर से जानते होंगे वो जानते होंगे, जिस तरीके से 1.5 साल में आप पिछले 7 साल में जो मीडिया में जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं का वर्चस्व रहा है कि वन साइडेड गेम वो कर देते थे, डेटा में हो चाहे स्टैटिक्स में हो, वो आके बोलते थे, संबित पात्रा हो, गौरव भाटिया हो, सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे लोग हो, लेकिन अब पिछले आप 1 साल से देखें, जब से पवन खेड़ा, रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत जैसे बड़े लोग आए हैं और जिस चीज ये जो एक लॉबी बनाई गई है, जिस तरीके से वो आके बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं के, ये लगातार मनीष जी कहा भी गया है कि क्यों जो कांग्रेस है वो मुखर अंदाज में क्यों मुद्दों को सामने नहीं लेकर आ पाती है। जब प्रियंका गांधी आती है तो हमने लगातार देखा है ये चीज कि उनके साथ हुजूम उमड़ता है और वो उन बातों को बेबाकी के साथ रखती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी जैसे ही खत्म हो जाती है तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर एक बार बैकफुट पर आ जाती है और वो उन मुद्दों को उतने स्पष्ट तरीके से और इतने मजबूती के साथ जनता के बीच नहीं रख पाती है। आशीष कोटाडिया जी, आज फिर प्रियंका गांधी लखनऊ आ चुकी है, 3 दिवसीय दौरे पर है, कौन से वो मुद्दे रहने वाले, क्योंकि जनता के बीच जाने की बात हो रही है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा एजेंडा इस बार 2022 के चुनाव को लेकर चलने वाले हैं?
देखिए वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारे प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, 3 किसान विरोधी काले कानूनों को पूर्ण तरीके से खत्म करना, या फिर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हुई बेतहाशा वृद्धि, तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से माफियाओं के शासन को बढ़ावा दिया है, चाहे फिर वो माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, रिलीजियस माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन हो, और नंबर अंतिम तौर पर जिस तरीके से कोरोना काल की दूसरी वेव में कुप्रबंधन किया गया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने परिवार को खोना पड़ा, ये जो दर्द है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक आम जन मानस तक पहुंचकर उनसे साझा करना चाहती है, और ये आपको 22 के विधानसभा चुनाव में सारे मुद्दे, लेकिन ये मुद्दे तो हर कोई उठाएगा, कांग्रेस क्या अलग करने वाली है, क्योंकि किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर लामबंद और लगातार इन मुद्दों को घेरती आ रही है, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ से वो कौन सी चीजें होंगी जिसको लेकर आप एक विश्वास पैदा करेंगे जनता के बीच? देखिए जनता के समक्ष विश्वास पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से आपने बात रखी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब 3 किसान विरोधी काले कानून लाए गए हो या फिर नागरिकता कानून लाया गया, तब यदि सर्वप्रथम किसी दल ने इसका विरोध किया था प्रखर तौर पर, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। प्रेस वार्ता करने में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने की थी, ना कि किसी अन्य राजनीतिक दल ने। अतः इस पूरे प्रदेश की जनता पूर्णतः रूप से सर्वविदित और जानकार है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगेंडा चलाकर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया है, और ये एजेंडा आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अभी भी अगर आशीष जी, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो अभी भी भाजपा ही आगे चल रही है, और लगातार ये बात सामने भी आ रही है कि अगर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा है, और एक बार फिर कल काशी से उन्होंने मोदी मोदी का एक बार फिर मंत्र जो है वो एक बार फिर से जनता के बीच फूंक दिया है। तो अब प्रियंका गांधी का आना और उसके बाद उनके द्वारा जो चीजें की जाएंगी, क्योंकि आज हम ये भी देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी मनीष आपने भी देखी होंगी कि किस तरह से जो एक कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, इतनी गर्मजोशी के साथ प्रियंका गांधी का आगमन को लेकर वो पूरे के पूरे तरह से अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखे और उन्होंने बहुत ही जोश के साथ प्रियंका गांधी का स्वागत किया है। देखिए स्वागत करा है और स्वागत करते भी रहेंगे, जो कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो लगातार जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई है जो पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी हो गई और देखने में खुल के मिलने लगी है, तो वो रहेंगे। बात फिर वही आती है, अगर आप स्टेबल है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि अब उनको रुकना पड़ेगा, काम बहुत करा है, चेहरा बड़ा है, मुद्दे उठाती है, जम के उठाती है और लोगों पे इम्पैक्ट भी डालता है, और लोगों में एक महिला चेहरे के प्रति जो सहानुभूति है वो भी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रुकती हैं, अपने जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलती हैं, ब्लॉकों पर जाती हैं, पार्टी अध्यक्षों से मिलती हैं, या जितने भी लोगों से मिलती हैं जो ब्लॉक पर काम कर रहे हैं कार्य, तो कार्यकर्ता में एक जोश रहता है। आप देखिए, अगर आप चाहे दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी की अगर आप बात करें, क्योंकि आपकी मुख्य विरोधी पार्टी वही है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी तक जो है कैंपेनिंग करने उतर आते हैं, ये बताता है कि जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं इस जंग में उनके बराबर खड़े होना है तो आपको उतरना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का होकर दिल्ली तक जाएगा, तो जरूरी हो जाता है उत्तर प्रदेश के चुनाव, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही शायद मुझे लगता है भारी पड़ जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपको कीति जी क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी एक मुलाकात हुई है 2-4 दिन पहले प्रशांत किशोर जी से, एक बड़ी मीटिंग चली है, जो मीटिंग थी राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के बीच में, उसको भी लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके के खिलाड़ी हैं इस खेल के, वो कहते हैं ना वो गेम मेकर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये सबको पता है, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन्स तैयार करे, और यही चीज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी जिम्मेदारी अहम होने वाली कांग्रेस में, मुझे लगता है। अब पार्टी खुल के कुछ कह नहीं रही है, मैं चाहूंगा कि पार्टी बहुत जल्दी इस पे अपनी मतलब जितनी। आशीष कोटारिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि मनीष जी ने एक बड़ा किसी भी प्रकार की घोषणा की जाएगी तो औपचारिक तौर पर पार्टी की प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे देश को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की मुलाकात के पीछे की वजह तो स्पष्ट कर दीजिए आशीष जी। देखिए वजह स्पष्ट करना इतना आवश्यक नहीं होता, यदि प्रशांत किशोर राहुल गांधी जी से मिलते हैं तो उसका
मतलब ये नहीं है कि वे चुनावी रणनीति तैयार करने में राहुल गांधी जी की सहायता करेंगे, वो तो शरद पवार जी से भी मिलेंगे। मिलना एक सामान्य बात है और यदि कोई औपचारिक घोषणा की जाएगी तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरीके से हम। फिर आशीष कोटारिया जी आपसे कह रहे हैं, जब चुनाव नजदीक होते हैं ना तो मुलाकातें सामान्य नहीं होती है, शिष्टाचार भेंट नहीं कहलाती है, फिर उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रहती ही होगी ना, कुछ तो चल रहा होगा, कुछ राजनीतिक मायने उसके होंगे। देखिए ये सब तो सभी पत्रकारों का स्वयं का आकलन होता है, इसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे लिए शायद आवश्यक नहीं होगा, किंतु मैं अवश्य कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आप केवल उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। अरे मनीषी आशीष जी, आप एक बहुत ही मनीषी मुझे लगता है विद्वान है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है जानकार भी है। देखिए आप ये भी समझिए कि जब इतना बड़ा चेहरा और इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, किसी भी आप मान जानते हैं कि कार्यकर्ता इसको युद्ध की तरीके मानते हैं, तो चुनावों से पहले ऐसी मूवमेंट होती है तो बातें जरूर होंगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दो चीजें जानना है, क्या ये उत्तर प्रदेश की तैयारी है, क्या एक थर्ड फ्रंट खड़ा करा जा रहा है शरद पवार जी के साथ जैसे वो मिलके आए, या फिर जो पंजाब में एक संकट आया हुआ है जिसमें अमरिंदर सिंह और सिद्धू को लेकर बहुत चला और लोग कहते भी है प्रशांत किशोर शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी है, तो क्या उसको सुलझाने की बात करिए, थोड़ा आप स्थिति हम लोग की भी, क्योंकि हम लोग भी अगर कहीं डिबेट में जाए तो लोग हमसे ना कहे कि आप लोग आकलन लगा रहे हैं, हम कह सके भाई हमें आशीष जी ने बताया है। आशीष जी देखिए पार्टी की ओर से हमें यदि अभी किसी भी प्रकार की औपचारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई और यदि किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणा होगी तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को औपचारिक तौर पर घोषणा के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, अतः उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु बदलाव बहुत बड़ा होगा ये मैं आप बदलाव बहुत बड़ा आशीष जी हम बिल्कुल सुन रहे हैं, बदलाव बड़ा होगा बदलाव, लेकिन उस बदलाव के पीछे का क्या आधार होने वाला है, वो आधार तो स्पष्ट कर सकते हैं आप कि उस बदलाव को किस तरह से हम देखें, क्या गठबंधन की ओर आप बढ़ने वाले हैं या किसी नए चेहरे को आप उत्तर प्रदेश में लेके आने वाले हैं, क्या बदलाव होगा? देखिए इस प्रकार पर टिप्पणी करना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा, किंतु मैं कहूंगा अवश्य पुनः वही दोहराऊंगा कि आप केवल उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उत्तर प्रदेश और वर्ष 2022-24 के लोकसभा चुनाव में वृहद स्तर पर परिवर्तन होगा और इस देश की जनता ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया है तो इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो मनीष जी आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल क्या लगता है, ये जो इन्होंने जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं कि बदलाव तो होगा लेकिन उसका आधार क्या होगा, वो बदलाव कैसा होगा, गठबंधन की ओर बढ़ेंगे, नया चेहरा लेके आएंगे, या फिर ये जो मुलाकातें चल रही है जैसा आपने कहा कि सिर्फ पंजाब में जो बिगड़ रहा है उसको संवारने की कवायद है, इन सब का जवाब सिर्फ ये है कि समय आने पे पता चलेगा। देखिए वो प्रवक्ता है, मैंने कहा वो विद्वान प्रवक्ता है, उनको पता है कि अपनी पार्टी को कैसे डिफेंड करना है और बहुत आराम से वो कह सकते हैं कि भाई जब तक हमारे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा, लेकिन वो खुद भी जानते हैं इस चीज को कि अगर प्रशांत किशोर जी मिल रहे हैं और इस तरीके से बातें चल रही तो कुछ ना कुछ होगा। पोस्टर को लेके एक बहुत बात उठी कार्यालय में कि भाई सोनिया जी का चेहरा नहीं था, राहुल जी का चेहरा नहीं था, फिर पोस्टर को बदला गया, क्या ये चीजें भी इसमें जुड़ी हुई है? और एक चीज और, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी आप बताना चाहेंगे कि उसके लिए भी वेट करेंगे सर? आशीष जी देखिए मुख्यमंत्री जी का चेहरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी जब चुनाव नजदीक होगी तब पार्टी कार्यालय से औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, उसी के खातिर वे अपने दायित्व का निर्वहन ठीक है आशीष जी, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष जी आपको लगता नहीं है? नहीं आशीष जी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है मनीष जी? मुझे भी ये चीज लगती है कि एक बार चेहरा स्पष्ट अगर कांग्रेस कर दे तो शायद थोड़ी मजबूती आ जाए, क्योंकि हर बार चुनाव में ये देखा गया और हर बार ये सवाल भी उठता है कि चेहरा कौन, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं किया जाता। प्रियंका गांधी आती तो है, जोश भी भरती हैं और मुद्दों पर बात भी करती हैं, जमीनी स्थल भी तलाशती हैं कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन चेहरा नहीं सामने आ पाता है। तो आशीष जी क्यों नहीं चेहरा डिसाइड करके एक बार ऐलान कर देते, क्या पता लोगों के अंदर उसको लेकर एक और ज्यादा आपके प्रति चीजें बन जाए और आपके चुनाव में आपको सहायता मिल जाए उस चेहरे के जरिए ही। देखिए मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित करने का कार्य पार्टी का है और यदि पार्टी उचित समय आने पर निर्णय लेगी, हम प्रवक्ताओं का कार्य चेहरा घोषित करना नहीं है, हमारा कार्य है पार्टी को डिफेंड करना और कार्यकर्ता तक आवाज पहुंचाना, पार्टी हाईकमांड जो निर्णय लेगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी का कोई चेहरा उतरे उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लगता कि एक चेहरा होना चाहिए? जिस तरह से आप लोग लगातार कहते आए कि बीजेपी का तो कोई चेहरा नहीं लगा, इस बार तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
तो आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी बहुत ही जल्द आपको चेहरा मिलेगा, किंतु समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अभी हमारी पार्टी इंटरनल क्राइसिस का सामना भी कर रही है, तो हम सभी मुद्दों को सुलझाने में लगे हुए हैं, किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, सीएम उम्मीदवार का चेहरा बहुत ही जल्द घोषित होगा। ठीक है मनीष, मनीष जी मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जीपीओ पहुंच गई है प्रियंका गांधी वाड्रा, तो अमौसी से सीधे निकल के वो जीपीओ पहुंच चुकी है, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस का आगाज, जीपीओ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, 3 दिवसीय यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तो प्रियंका गांधी जीपीओ पहुंच चुकी हैं और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर हैं, 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगी, यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात, प्रेस वार्ता से लेकर जनता के बीच में भी जाएंगी, मुद्दों को उठाएंगी, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का, बेरोजगार, उसको मुखर अंदाज में उठाने वाली है। तो जीपीओ पहुंच चुकी है, मनीष जी क्या लगता है, जो सवाल मैं कर रही थी उसी पर वापस आना चाहूंगी, चेहरा तलाशने की जरूरत है और चेहरा तलाशने की क्या स्पष्ट रूप से सामने लाकर रखने की जरूरत है? देखिए हर पार्टी की अपनी दुविधाएं होती हैं और हर पार्टी ये देखती है कि उसको चेहरे से क्या फायदे और क्या नुकसान हो गए। आशीष जी भी इस बात को मानते होंगे। देखिए प्रियंका गांधी के चेहरे में कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करा जा रहा है और प्रियंका गांधी के चेहरे में लोगों का विश्वास भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर आप ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की बात करें और दबी जवान समझे तो। लेकिन चेहरा घोषित करने के साथ कई दुश्वारियां भी हैं, कुछ मुकदमे जुड़े हुए हैं जो शायद रॉबर्ट वाड्रा जी से जुड़े हुए हैं, जिसको टाइम टाइम पर मतलब सरकार और बीजेपी अपने तरीके से उछालती है उठाती है, तो ये ग्राफ ना दिक्कत में करे। और देखिए मुद्दे बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि वो पिछले विधानसभा चुनाव जैसे बीजेपी ने लड़ा था, बिना चेहरे के लड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लड़ा था, क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ती है या क्या वो चेहरा बना के प्रियंका गांधी को उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये क्योंकि मनीष जी चेहरा फिर वही आ गया ना, मोदी जी का चेहरा लिया हो उन्होंने या इस बार योगी का चेहरा ले रहे हो वो, लेकिन चेहरा तो उन्होंने रखा, लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी है कि आज भी वो है, कहीं ना कहीं मौजूद है। उसके बाद जिस तरह से काशी में उन्होंने मंच पर चढ़कर उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे जिसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां मुखर हैं उसको लेकर ही उन्होंने जमकर तारीफ की योगी सरकार की, तो ये भी तो अहम हो जाता है। देखिए वही बात है, प्रियंका जिस तरीके से काशी में वो कल गए और काशी में अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई और हमारे जितने साथी पत्रकार हैं उन्होंने भी क्योटो वाली उनकी बात को उठाया कि किस तरीके से पानी भर गया था वहां पर और इसी काशी को क्योटो बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो कल आए और कल उन्होंने जिस तरीके से फ्रंट फुट पे लिया, अपनी सरकार को सपोर्ट करा, जबकि आपको पता है मीडिया में भी बहुत ज्यादा जो है लोगों ने बात करी इस बारे में कि जो कोविड मैनेजमेंट था उत्तर प्रदेश सरकार का वो उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से उन्होंने कहा, लॉकडाउन लगाने में देरी हुई और बहुत सारी बातें उसमें उठी, लेकिन अगर वो उतरे हैं तो वो चुनावी बिगुल बजाने के लिए ही उतरे हैं और उन्होंने बजा भी दिया है, उनका चेहरा योगी आदित्यनाथ का चेहरा। और देखिए विपक्ष में भी जो दूसरा बड़ा चेहरा है वो अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपना पूरा जो काम है तामझामा है जिसको आप कहते हैं उसके साथ उतरे हैं कि भाई ठीक है हमने 1090 करा, डायल 100 करा, एक्सप्रेस वे बनवाया। अब प्रियंका गांधी किस तरीके से अपने चेहरे, अपने पार्टी, और देखिए जातीय समीकरण जिस तरीके से जतिन प्रसाद छोड़ के गए, ब्राह्मण वोटों पे बहुत दिन से नजर है कांग्रेस की, क्या उसको मैनेज कर पाती, ये सारी बातें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी इस चुनाव से पहले। प्रियंका गांधी आएंगे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि वो रुके थोड़े दिन, समझें, मिलें, और ये 3 दिवसीय दौरा ना होके अगर ये 3 महीने का दौरा हो तो उनको बहुत फायदा होने वाला है, ये मेरे ख्याल से कीर्ति जी आप भी इस बात को मानती होंगी। बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आपने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव की बात करी तो उन्होंने भी अब आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी एक तरह से अंदेशा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आना और मंच पर चढ़कर इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधना और योगी सरकार की तारीफ करना ये आम नहीं है, चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो इसको सही तरीके से करना और इस पर
पूरा पुरजोर तरीके से अपनी 100% देना बहुत जरूरी बन जाता है और सीएम यही कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर उतरे और उन्होंने उन मुद्दों को लेकर, जिस पर लगातार हम भी कहते हैं कि विपक्ष जो है अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख रहा, तो अब वो मजबूती से रखने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये कितना सफल होता है और क्या वो छवि खराब हो पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आशीष जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मनीष जी ने कहा कि 3 दिन का नहीं 3 महीने का होना चाहिए ये दौरा, क्योंकि जरूरी हो जाता है आपको अब? देखिए, 3 दिन का दौरा हो या फिर 3 माह का दौरा हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है। क्योंकि फर्क पड़ता है कितना आप सक्रिय है, आपने उत्तर प्रदेश की जनता के मस्तिष्क में और उनके मध्य कितनी जगह बनाई है और कितना उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको स्वीकार किया है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को पूरे उत्तर प्रदेश से समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार के विरुद्ध प्रियंका गांधी जी ने जो आवाज बुलंद की है, ये आवाज बुलंद जो की है यही प्रस्तापित करती है और सूचित करती है कि हमारी पार्टी पूर्णतः तरीके से। लेकिन आशीष जी, आप ये भी तो देखेंगे ना, कल काशी से पूर्वांचल वोटरों को भी घसीटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी गई है, तो आप कहां हैं? 3 दिन का दौरा क्या आपके लिए उतना मजबूत बनेगा? क्योंकि बड़ा चेहरा चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर आपको, और ये लगातार पश्चिम बंगाल में भी हम आपसे बोल रहे थे कि आपकी मौजूदगी कहां है, वहां पर भी कांग्रेस की इतनी मौजूदगी नहीं देखने को मिली, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी वही हाल देखने को मिलेगा? ट्वीट के जरिए सिर्फ मुखर करेंगे आप आवाज, या 3 दिन के दौरे से आप उत्तर प्रदेश की जनता को मनाने का पुरजोर प्रयास कर लेंगे और 3 दिन में ही आप चुनावी रैलियां हो गई या जिस तरह से आगे आगामी चुनाव है उसको लेकर, क्या 3 दिन काफी है? बात इस चीज की हो रही है। देखिए, अवश्य यदि प्रियंका गांधी जी को लगता है कि 3 दिन अत्यधिक नहीं है तो वे अवश्य अपने दिनों को बढ़ा देगी, उसमें कोई किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है और ना ही हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि यदि राजनीतिक दौरा है और उसका एक उद्देश्य है तो जब उसका गंतव्य प्राप्त हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। चुनावी रणनीति को साधने के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य प्रदेश की जनता की चिंता और उनके कल्याण का भी होता है। आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि उन्होंने एक तरीके से चुनावी बिगुल को बजा दिया, उनका तो कार्य ही है कि केवल और केवल किस तरीके से चुनाव को जीता जाए और प्रदेश की जनता विकास की राह पे भी तो अग्रसर किया है। 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके आए हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे विकास की वजह से हम जीते। यूपी के पंचायत चुनाव विकास की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती, वो तो साफ कह रहे हैं। देखिए, ये पूरे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। मुझे बताइए, यदि उनको चुनाव विकास के आधार पर जीतने थे तो क्यों ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए? इसको लेकर किसी भी प्रकार से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, इसका प्रभाव इनको वोट पर मिलने वाला है। बाकी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात वर्ष 2014 में हुई थी, वर्ष 2019 में भी हुई थी, वो कहीं भी सार्थक साबित नहीं हुई। ऐसी योजनाओं का लोकार्पण, और उनका लोकार्पण तो कई सारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था किंतु कभी सार्थक साबित नहीं हुआ। तो लेकिन इसी विकास की राह पर केंद्र और राज्य में सरकारें बनाई है उन्होंने, ये भी तो मानेंगे आप? ये कहना है उनका, कहां विकास दिखता है आपको? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। महंगाई अपने चरम स्तर पर है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही है, आपको विकास कहां नजर आ रहा है मुझे बताइए? और जिस तरीके से मोदी सरकार के शासन में कोविड कुप्रबंधन सामने आना, पीएम केयर फंड की राशि, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें नींव हिला पाएगी? सवाल यही है आशीष जी कि क्या ये बीजेपी की नींव हिला पाएगी उत्तर प्रदेश से ये बातें? अवश्य नींव अवश्य हिलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से COVID-19 संकट के दौरान गंगा और यमुना नदी के तट पर लाशों का जो ढेर मिला था, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और ये जनता कदापि भूलेगी नहीं। और वर्ष 2022 के चुनाव में ये जनता इस चीज को केंद्र में रखकर वोट देगी कि किस प्रकार से योगी सरकार ने कुशासन के माध्यम से इस प्रदेश को बर्बाद करने का कार्य किया है। ठीक है मनीष जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस तरह की बोली से काम चलेगा? देखिए, प्रियंका जी के बारे में जितने लोग जानते हैं और जो उनको दिल्ली से जान रहे हैं या जिस तरीके की वो पॉलिटिकल सरगर्मी रखती हैं लगातार, आशीष जी की भी एक बात सही है कि वो अगर ग्राउंड पे नहीं एक्टिव रही तो फिर भी अपने ट्विटर और अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार वो कार्यकर्ताओं से जुड़ती रही, बात करती रही। और नव वर्ष की जब स्टार्ट हुआ तो 10 लाख कैलेंडर्स भी कार्यकर्ताओं तक भेजे। आशीष जी, आप तक पहुँचा था कैलेंडर पहुँचा था प्रियंका जी का जो भेजा गया था दिल्ली से? 10 लाख कैलेंडर्स कार्यकर्ताओं के बीच में भेजे गए थे।
जो कैलेंडर सबको दिए गए थे कि प्रियंका, वो ये भी एक तरीके का जो है इंटीमेट करा गया था कि प्रियंका जी आएंगी। देखिए बात वही है, गंगा में जैसे आपने लाशों की बात करी तो क्या आप वहां पे जाओगे? देखिए सिंबॉलिक चुनाव हमेशा रहे हैं बिल्कुल हमारे, जरूरी यही बिल्कुल है बिल्कुल। ग्राउंड लेवल पर उतरना, फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चुनाव में, और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह ने, मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी ने, जितने कम समय में आके जो इम्पैक्ट क्रिएट करा है उत्तर प्रदेश में, और एक मुलाकात भी हुई संजय सिंह की अखिलेश यादव से उनके जन्मदिन के आसपास, वो भी बहुत सारे मायने बड़े बात कहते हैं। देखिए मायावती का, जैसे लोग कहते हैं मायावती जी भी तो ग्राउंड पे नहीं उतरती, देखिए उनका एक अपना वोटर है, उनका एक अपना वोट बैंक है, और उनका लेकिन ये स्टाइल भी रहा है बिल्कुल, ये उनका हमेशा का स्टाइल रहा है। लेकिन कांग्रेस जमीनी राजनीति से वहां तक पहुंची है, कांग्रेस ने हमेशा जमीन पर राजनीति करी है। तो अगर मैं ये चाहूंगा कि आशीष जी आप और आपके कार्यकर्ता ये बात प्रियंका जी तक पहुंचाएं, तो वो प्लीज यहां पर रुकें और कार्य करें, ये बहुत बड़ी ऊर्जा फूकेगा, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब पत्रकार जानते हैं, सारे मीडिया के लोग जानते हैं, मुद्दे बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन चेहरा और क्या उस चेहरे में विश्वास अगर ये आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन मनीष जी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की मौजूदगी भी जरूरी हो जाती है या फिर सिर्फ प्रियंका गांधी ही? देखिए एक चीज आपने समझ कि कहीं ना कहीं पार्टी अंदर से मन बनाती है अपना कि वो कहाँ किसको प्रोजेक्ट कर रही है। जिस तरीके से योगी जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक विचार बनाया होगा कि आगे 2024 या 24 स्टार प्रचारकों के रूप में जी, तो आते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी का भी सक्रिय होना उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बहुत जरूरी है, और उनका लोगों का, कुछ लोगों का उनमें विश्वास भी है, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी उनका विश्वास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए चुनाव के समय पे वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। मेरा वही कहने का मतलब है, देखिए अगर आपको जहां से चुनाव लड़ना है, वो लोग जो लगातार जमीन पर रह के कार्य कर रहे हैं, अगर उनको आप जैसे बड़े नेताओं का, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, चलिए मान लिया सोनिया गांधी जी का अपना स्वास्थ्य नहीं सही है, वेणुगोपाल राव और इतने बड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह जो खुद मुख्यमंत्री हैं, अगर वैसे बड़े चेहरे आके उत्तर प्रदेश में जुटते हैं, अपने क्राइसिस को सॉल्व करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हो ही नहीं पाती, फिर मनोबल कार्यकर्ताओं का कहां से आया? बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी वाला मुद्दा है ना, उस पे जो है लगातार समाजवादी पार्टी के जो है लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कोविड मैनेजमेंट वाले में देखिए किस तरीके से संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लगातार योगी सरकार वगैरह, तो ये मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे को आपको स्नैच करना है और इसी मुद्दे के ऊपर चढ़ के आपको राजनीति करनी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप रुके, टाइम ले, समझें, और जैसे मैंने कहा कि जो लोग छूट रहे हैं कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है, कांग्रेस से लोग जुड़ा रहा है, आज भी पुराने लोग कहते हैं भैया हम उनको ही वोट, बिल्कुल हम उनको ही वोट देंगे जो इंदिरा गांधी की पार्टी से थी, जो हमारे पुराने लोग थे वो सब कहते थे, लेकिन क्या हुआ, क्या जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उसमें कहीं दिक्कत हुई? ये वोट बैंक क्यों खुसका, और इसी वोट बैंक यही आकलन बहुत जरूरी हो जाता है मनीष जी, की आकलन करना जरूरी है। आप अपने माइंडसेट से नहीं चल सकते आशीष जी, जो लगातार आप कह रहे हैं कि आपका आकलन है, ये हमारा नहीं, ये आंकड़े बताते हैं, ये जो हम रिजल्ट देखते हैं जब चुनाव आते हैं, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी की सीट आपकी कितनी मजबूत थी, लेकिन आपने कितनी आसानी से अमेठी की सीट स्मृति ईरानी से आपसे छीन ली, उसके बाद राहुल गांधी के बयान, उसके बाद राहुल गांधी की सक्रियता नहीं उत्तर प्रदेश में, तो क्या सिर्फ प्रियंका गांधी अपने कंधों पर इतना उत्तर प्रदेश का 75 जिलों का भार संभालने के लिए अकेले सक्षम है, क्या वो चेहरा है? देखिए यदि राहुल गांधी जी अमेठी का चुनाव हारे तो हमने पूर्ण तरीके से उसको स्वीकार किया, ये वहां की जनता का निर्णय था और उस निर्णय आदेश को राहुल गांधी जी ने स्वीकृत किया। किंतु यदि बात आती है सक्रियता की, तो प्रियंका गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की वे एक प्रभारी नियुक्त हुई, तो वे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। और जब राहुल गांधी जी भी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो वे अवश्य अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। वर्तमान में राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, तो उनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन स्टार प्रचारकों का आना उत्तर प्रदेश में जरूरी है, मैं ये कह रही हूँ। अवश्य यदि समय आएगा तो हम अवश्य आएंगे धरातल पर, ऐसा नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी आप यही बोलते रहे आशीष जी, हमारे साथ आप 10 बहुत बार जुड़े हैं और आपने हमेशा ये बोला है कि सक्रियता बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव भी खत्म हो गए, सक्रियता कहीं नहीं थी कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या वही नजारा देखने को मिलेगा?
पंजाब सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की बंगाल में पूर्ण तरीके से सक्रियता थी, किंतु वहां की जनता ने जो निर्णय आदेश दिया है चुनाव में उसको हमने स्वीकार किया है और पार्टी हाईकमांड में रिपोर्ट भी सबमिट की गई है कि किन कारणों से हम वहाँ चुनाव हारे। तो इस प्रकार के आरोप लगाना कदापि स्वीकार्य नहीं है और यदि हमारी पराजय हुई है तो हमने उसको स्वीकार किया है और आत्म मंथन भी किया है और हाई कमांड को रिपोर्ट भी सौंपी गई है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आशीष जी चल रही है, आशीष जी रिपोर्ट सबमिट होती है, आत्म मंथन होता है, ये हर चुनाव के बाद होता है, लेकिन इम्पैक्ट क्या निकल के आता है? क्या हम फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात है कि हम फिर उसी राह पे चल देते हैं कि चलो ठीक है भाई रिपोर्ट सबमिट कर दी, आत्ममंथन कर दिया, एक दो पदाधिकारी हटा दिए, अध्यक्ष हटा दिए और फिर वही हर पांच साल बाद, हर दो महीने बाद, हर छह महीने बाद भारत में चुनाव होते हैं, विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, तो यही करना है? या एक अगर आप चाहते हैं, मैं ये सबसे कहता हूं और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं कि वो कलेक्टिव जो फाइटिंग स्पिरिट है वो दिखाई नहीं पड़ती। मैंने कहा हाथरस में आप प्रियंका गांधी जी आई और जो रोड पे उन्होंने पुलिस के साथ जो है नोकझोंक हुई और जो सरकार ने मतलब उनको अनाधिकृत रूप से रोका और वहां पर उनको आगे नहीं जाने दिया, उसके बाद फिर सरकार बैकफुट पे आई और उनको जाने दिया, आप समझिए इम्पैक्ट है, सरकार भी हिलती है। लेकिन वही बात है कि अगर ये डोज रेगुलर हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक आपके हाथ लग सकता है। बड़ा एडवाइस मनीष जी ने कही क्योंकि कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत है ये धरातल पर हर इंसान जानता है और इसी को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी लगातार बीच बीच में सक्रिय होती हैं, लेकिन उनकी जैसे ही वो सक्रिय नहीं होती वैसे ही कार्यकर्ताओं का मनोबल डगमगा जाता है, जिसको लेकर ही हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से मुखर नहीं हो पाती है, पूरी तरह से वो जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को, जो राजनीतिक जमीन वो 30 सालों से गवा बैठी है, उसको मजबूत नहीं कर पा रही। तो जरूरी है कि इन तमाम चीजों का आप आकलन करिए और इस पर किस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मुद्दे बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको किस अंदाज में आप रखते हैं और कितने समय तक रखते हैं ये जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है लखनऊ आगमन करके लखनऊ में, उसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि प्रियंका गांधी 3 दिन अब लखनऊ में रहने वाली हैं और क्या कुछ करने वाली हैं, ये तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आप नहीं समझ सकते कि किस मोड़ पर कब कहां मुड़ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सक्रियता बहुत है विपक्षी पार्टियों की और लगातार जो सबसे बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव का, वो भी लगातार मुखर अंदाज में सरकार के सामने खड़े रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की चुनाव में कब क्या हो जाए ये नहीं पता, लेकिन देखना अहम होगा कि विधानसभा 2022 के चुनाव में क्या और नई हलचल देखने को मिलती है। चुनावी हलचलें हैं जो होती रहेंगी और आपको हर उस बात की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।